कहते नहीं कि अगर मानो तो देव नहीं तो पत्थर, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ नहीं तो बहता पानी। हर हर महादेव बम जी, यात्रा कैसा चल रहा है इस बार का? और यही वो झरना है जिसको आप सभी ने देखने का बहुत ही ज़्यादा डिमांड किए थे। तो आज हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ, आप सभी भक्तों का स्वागत है एक बार फिर से कांवरिया पथ पर। फिलहाल देख रहे हैं यहाँ महादेव जी की हैं प्रतिमा है, जो कि पहले आप सभी को दिखाते हैं ये सबसे ऊंचा वाला कांवरिया पथ। तो आज की वीडियो को यहाँ पर इसलिए शुरू कर रहे हैं कि जो बगल में झरना है, तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए थे कि जो है एक बार झरना को दिखाइए, मतलब प्रॉपर जो है झरना को दिखाइए, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कुछ आप लोग वहाँ पर देखना चाहते होंगे। तो जो है आप सभी भक्तों में से जितने भी इस चैनल पर जितने भी भक्तों की फैमिली है, सभी का जो है एक एक फैमिली का जो है हम ध्यान रखते हैं। तो आज हम जो है वहाँ पर दिखाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है ना कुछ ऐसी शक्ति है जो कि बहुत बार यहाँ पर प्रतीत हुआ गया है। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं जहाँ महादेव का वास होता है वहाँ पर जो है ना गंगा भी विराजमान रहती है। तो वो जो है ना बहुत सारे जो है कहते हैं कि झरना है, लेकिन अगर देखा जाए माना जाए तो वो जो है ना गंगा ही है, क्योंकि वो गंगा बहने का मतलब है कि यहाँ पर जरूर महादेव का वास है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे यहाँ पर भक्तों का जो है ना संकेत मिल चुका है, और हमें भी कई बार संकेत मिला है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो कि यहाँ पर विराजमान है। तो जरूर यहाँ महादेव की शक्ति है। कई सारे भक्त बोल रहे थे यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए जो कि जीवलेश्वर महादेव के नाम से होना चाहिए। तो चलते हैं एक बार, आप सभी को झरना को भी दिखाते हैं, और आप सभी को दिखाते हैं कि देख रहे हैं यहाँ पर, वो कहते नहीं कि अगर मानो तो देव नहीं तो पत्थर, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ नहीं तो बहता पानी। तो चलिए दिखाते हैं पूरा झरना को। यहाँ पर देख रहे हैं यही मंदिर, यहाँ पर देख रहे हैं महादेव और हनुमान जी यहाँ पर विराजमान है, और यात्रा भी हो रहे हैं, कांवरिया भी यहाँ पर देख रहे हैं, लगातार दिखते जा रहे हैं रास्ते में, और देख रहे हैं किस प्रकार चलते जा रहे हैं। हर हर महादेव बम जी, यात्रा कैसा चल रहा है इस बार का? चल रहा है बाबा की कृपा से। तो इस बार जो है आप शिवरात्रि की यात्रा में है क्या? जी बिल्कुल। तो आप कहाँ से हैं? दरभंगा से। और इस बार कितना बार हो गया आपका यात्रा? ये मेरा दूसरा है, पिछले बार 2013 में आए थे। अच्छा, तो और भी आ रहे हैं कि या बहुत, इस बार बहुत लोग आ रहे हैं। अभी पीछे हैं? जी, बहुत चलिए बोल बम। से देख रहे हैं अब जो है बम जी से मिलने के बाद हम नीचे उतर रहे हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं इसी जगह पर है वहाँ पर झरना, और चलते हैं यहाँ पर देख रहे हैं। इस बार देख रहे हैं यहाँ पर खाली है, झूला बाबा नहीं है। और यहाँ पर पहुँचने के बाद ये पता चलेगा कि जो है इस बार कई बार हमने देखा था कि जो है यहाँ पर इस झरने को ध्वस्त किया गया था, क्योंकि यहाँ पर कई बार देखे थे इधर से उधर हो गया था, लेकिन कभी जो है ये गंगा कभी यहाँ पर रुकी नहीं, गंगा की धारा चलते रह गई। और मेन कुंड देख रहे हैं यहाँ पर है, यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर कहीं कुछ नहीं है, और यहाँ से नीचे यहाँ पर निकलता है, यहाँ से जो है फिर यहाँ पर पाइप लगा दिया गया, इसको जो है ना पक्का जो है कर दिया गया, सीमेंटेड कर दिया गया, और यहाँ पर पाइप लगा दिया गया है। पाइप लगाने से बहुत ही ज़्यादा सहूलियत होता है कि जो है अगर बोतल भरना हो या फिर किसी चीज़ में पानी भरना हो तो आराम से लगा करके नीचे भर सकते हैं। बाकी इसमें से जो है किसी बर्तन से जो है निकालना पड़ता था, और इनको जो है ढक करके देख रहे हैं रखा गया है, कि जो है यहाँ पर देख रहे हैं कितने सारे पत्ते बिखरे हुए हैं, और बाकी देख रहे हैं चारों तरफ पहाड़ है, यहाँ पर कोई जो है ना अलग से पानी आने का स्रोत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि माँ गंगा की धारा है जो सदैव यहाँ पर विराजमान है। और वहाँ पर देख रहे हैं महादेव की जो प्रतिमा है, ऊपर हमने दिखा करके लाए आप सभी को। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं इस जगह पर महादेव का वास है, कई बार जो है प्रतीत हो चुका है, और यहाँ पर देख रहे हैं दिखता ही जा रहा है। और इस जगह पर देख रहे हैं यहाँ पर जो है इधर वाला कुंड खाली है, और मेन कुंड इनका यही है इस झरना का, जो कि बिल्कुल ढक कर रखा गया, और यहाँ पर जो है पानी पीने लायक यहाँ पर, यानी कि इस रास्ते में जितने सारे कांवरिया भक्त आते जाते हैं ना, तो यहाँ पर ज़रूर आते हैं पानी लेने के लिए, क्योंकि ये जो है ना पानी को बिल्कुल पीने लायक समझा जाता है, और पीने लायक है भी, क्योंकि देख रहे हैं बिल्कुल शुद्ध पानी निकलता है पहाड़ों से। और यही वो झरना है जिसको आप सभी ने देखने का बहुत ही ज़्यादा डिमांड किए थे, तो आज हम आप सभी को दिखा ही दिए। हाँ दोस्तों, हमारे साथ धीरज भाई पीछे से आ रहे हैं, और उसी रास्ते से चलकर आपको यहाँ पर झरना के पास लाएं। देखने यहाँ पर झरना एकदम हमेशा जो है सालों भर बहती रहती है, यानी कि कभी सूखता ही नहीं है। मैं मई और जून में भी आऊँगा तो आप सभी को यहाँ पर पानी दिखाऊँगा, क्योंकि जो ये जल जो है ना सदाबहार सदैव बहती रहती है। और जो कहते हैं ना कि अपने अपने सोच अपने अपने नज़रिए से देखता है, मन की जो है भक्ति वाले माहौल से देखता है, तो कहते हैं कि ये जो है सदैव जो है ना ये बहती है, तो गंगा की ही धारा है जो बहती है, और ऊपर महादेव विराजमान है। बाकी और सारे कहेंगे ये झरना कहाँ है, ये झरना कहाँ है, झरना कैसा है, पानी कैसा निकलता है, ये तो सिर्फ अपना अपना सोच है, मन की जो दृष्टि होती है ना उसके आधार पर देखा जाता है। और यहाँ पर देख रहे हैं राजेश भाई भी आए हुए हैं, कई बार जो है हमने आप सभी को दिखाया, लेकिन इस बार देख रहे हैं फिर से आए हुए हैं। तो आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ, आप सभी भक्तों को जलेबिया पहाड़ झरना के पास से।